जी बहुत बढ़िया लग रहा है। इब्बा तो मन खुद ने विश्वास नहीं हो रहा के 3-4 दिन तो मन भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीत लिया आखिर में ओलंपिक में। बस यही सोच के आए थे कि भाई भाई पहले तो 2 मिनट नंबर नहीं देना किसी का। वो जो सेमी फाइनल में आ रहा था वो शुरू में जाते ही मतलब 4 नंबर चले गए इतना बड़े कंपटीशन में, तो पजल हो गया भाई कैसे नंबर लियो भी ओलंपिक में ऐसे। देखो सब देख रहे हैं देशवासी, अब क्या करूँ क्या, मैं समझ में नहीं आया क्या करूँ। ये चल रहा था मतलब वो प्रेशर भी था भाई। हाँ एक लम मेरे मन में तो नहीं, दो तीन और होते तो ठीक से, मतलब एक लम भाई अब तो मेडल लेके आना है बस। उस लम्बे शब्द में तो बयान नहीं कर सकता, मतलब समझ गए गए आप उस जगह पर खड़े होते आप खुद महसूस करके देख लो कैसा लग रहा होगा अपने। और यहाँ से अब आप अपना अगला लक्ष्य क्या बनाते हैं? यहाँ से अगला लक्ष्य तो 2028 का है और 2026 में एशियन गेम्स हैं। बहुत बहुत हमारे सरवाद अमन के साथ है जी, और बहुत बहुत खुशी हुई हमने गोल्ड मेडल से भी ऊपर के खुशी हुई है जी। आज गोल्ड तो नहीं आया जी, कहीं ना कहीं बच्चा टूट जाता है। नहीं जी हमने देख मात पिता तो मैं उसकी बड़ी मानस हूँ, मेरी बहन तो वह होगी थी जी, पर जी हमने बहुत बढ़िया हुए करा से मेरा बेटा मेरा बड़का तो भी ऊपर कर रखा से मना मन, और आज अमन ने जी मारा कति दिल खुश कर दिया जी। और हमने यो जो यो ब्रोन से कि वो से यो हमने कति गोल्ड ते भी ऊपर के लग गए से जी। परिवार में किस तरह की खुशी? परिवार खूब खुशी से है, गांव में भी खूब खुशी है, देश में भी खूब खुशी है जी। और एक बात और कहना चाहूंगी, ये सरकार से हमारी बात पूछाना, क्योंकि अमन के पेरेंट्स के लिए और अमन के लिए सरकार ने कुछ भी उस जगह पूछा है बेटा हमारा, तो कोई न्यू मामूली थोड़ी है। अब भाई हमारे लिए कुछ भी सुविधा नहीं, कोई लाइट की सुविधा नहीं, कोई रास्ते की सुविधा नहीं, क्यों अमन का छोटा भाई है अमित 8 साल का, उसके लिए बस भी नहीं आती, हफ्ते हफ्ते बारिश हो जाती है जब वो घर पर बैठा रहता है। तो सरकार से हमारी ये बात पूछाना। आज बहुत बढ़िया लग रहा है, इब्बा तो मन खुद ने विश्वास नहीं हो रहा के 3-4 दिन तो मन भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीत लिया आखिर में ओलंपिक में। बस यही सोच के आए थे कि भाई भाई पहले तो 2 मिनट नंबर नहीं देना किसी का। वो जो सेमी फाइनल में आ रहा था वो शुरू में जाते ही मतलब 4 नंबर चले गए इतना बड़े कंपटीशन में, तो पजल हो गया भाई कैसे नंबर लियो भी ओलंपिक में ऐसे। देखो सब देख रहे हैं देशवासी, अब क्या करूँ क्या, मैं समझ में नहीं आया क्या करूँ। ये चल रहा था मतलब वो प्रेशर भी था भाई। हाँ एक लम मेरे मन में तो नहीं, दो तीन और होते तो ठीक से, मतलब एक लम भाई अब तो मेडल लेके आना है बस। उस लम्बे शब्द में तो बयान नहीं कर सकता, मतलब समझ गए गए आप उस जगह पर खड़े होते आप खुद महसूस करके देख लो कैसा लग रहा होगा अपने। और यहाँ से अब आप अपना अगला लक्ष्य क्या बनाते हैं? यहाँ से अगला लक्ष्य तो 2028 का है और 2026 में एशियन गेम्स हैं। बहुत बहुत हमारे सरवाद अमन के साथ है जी, और बहुत बहुत खुशी हुई हमने गोल्ड मेडल से भी ऊपर के खुशी हुई है जी। आज गोल्ड तो नहीं आया जी, कहीं ना कहीं बच्चा टूट जाता है। नहीं जी हमने देख मात पिता तो मैं उसकी बड़ी मानस हूँ, मेरी बहन तो वह होगी थी जी, पर जी हमने बहुत बढ़िया हुए करा से मेरा बेटा मेरा बड़का तो भी ऊपर कर रखा से मना मन, और आज अमन ने जी मारा कति दिल खुश कर दिया जी। और हमने यो जो यो ब्रोन से कि वो से यो हमने कति गोल्ड ते भी ऊपर के लग गए से जी। परिवार में किस तरह की खुशी? परिवार खूब खुशी से है, गांव में भी खूब खुशी है, देश में भी खूब खुशी है जी। और एक बात और कहना चाहूंगी, ये सरकार से हमारी बात पूछाना, क्योंकि अमन के पेरेंट्स के लिए और अमन के लिए सरकार ने कुछ भी उस जगह पूछा है बेटा हमारा, तो कोई न्यू मामूली थोड़ी है। अब भाई हमारे लिए कुछ भी सुविधा नहीं, कोई लाइट की सुविधा नहीं, कोई रास्ते की सुविधा नहीं, क्यों अमन का छोटा भाई है अमित 8 साल का, उसके लिए बस भी नहीं आती, हफ्ते हफ्ते बारिश हो जाती है जब वो घर पर बैठा रहता है। तो सरकार से हमारी ये बात पूछाना।